हरे आपे माता आपे पिता जन जियो पाए जद दिखाया गुर प्रसादी पूजिया ते चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक सेठ का मूल रचिया जूत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ पया प्रो आगम सुनिया हर मंगल गा सखी ग्रह मंदर बनिया हर गाओ मंगल न सखिया सोग दुख न व्यापे गुर चरण लागे दिन सुपागे अपना पर जापे आनत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भुगो कहे नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग माया कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन बसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक यह शरीर परवान हुआ जिन सतगुर सोच टलाया ए नेत्रों मेरे हो हर तुम जोल तरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो बिस संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कहे नानक नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव्य दृष्ट होई ए सरवण मेरे सच सुनने नू पठाए सिर लाए सुनो सतबाणी जै सुनी मन तन हरिया हुआ रसना सच समाणी सच अलख बणाणी ताही गत कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवा सच सुनने नू पठाए हर जो गुफा अंदर रख के बाजा पौन बजाया बजाया बाजा पौन नौ दुआरे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भाव नेकना दसवां द्वार दिखाया तहन एक रूप नव नव निद अंत न जाई पाया कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के बाजा पौन बजाया एहो साचा सोहेला साचे कर गावो ता सोहेला का सच जिथे सदा सच त्यावै सचो त्यावै जत पावै गुरमुख जिना बुझावै एहो सच सभना का खसम है जिस पासै सोजन पावै कहे नानक सच सोहेला सचे कर गावै आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा प्रेम पटोला तै सदीता टपिणी कुपत मेरी टपिणी कुपत साई मेंढा ना
नानक सार न जाना तेरी। Part
पाया लाग
गोपाल तेरा आरता जी गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भक्त करंते तिनके काज सवाल सीता मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो शादन निका अनाज मंगो सत सीता ओ पैसो मंगो लवेरी एक ताजन तुरी जंगेरी वाहे गुरु कर की गीहन चंगी जन तन नाले वै मंगी ही गोपाल तेरा आरता ही गोपाल तेरा भगत न की जय जय माला अपनी ली जय हो मंगू संत नरेना मैं ना ही किसी का देना माधो कैसे बने तुम संगे आप न दे तले हो मंगे वाहे गुरु दूसर मांगो चूना पाओ के हो संग लूना वाहे गुरु असर मांगो दाले मो वाहे गुरु काट मंगो चो पाई सहराणा अवर तलाई ऊपर को मांगो कीदा तेरी भगत करे जंथीदा जी मैं नाही कीता लभो एक नाम तेरा मैं भगो वाहे गुरु कहे कबीर मन मानिया मन मानिया तो हर जाने अमात कैसे बने तुम संगे संगे आपन देओ तले गो मंगे मंगे दुहरा लोप चंड का होए गई सुरपत को देराज दान बमारे अपेश कर संतन काज सवैया जाते प्रसन्न पाए है महामन देवन के ताप में सुख पावे जग करे एक भेद रे पाप ताप हरे मिल जान अक्षर नृत्य दिखावे संकन की धुन कंटन की कर भूलन की पर कबर खावे संकन की धुन कंटन की कर भूलन की पर कबर खावे आरती कोट करे सुर दक्षण देके प्रदक्षण
दक्षिण पायो संगत पारे उतारन को गुरु नानक साहेब पंत चलायो वाहे गुरु गुरु नानक साहेब तार के मूरत है जग आयो वाहे गहे जब सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे कहे की लाज आस गोविंद दास तुहार ऐसे चंड परताप ते दिल में बड़ो परताप तीन लोग जय जय करे रे नाम सत जा चक्र वरती चतर चक्र भुगते शुभम भम शुभंगम सरल दास सरल जुगते तो कालम पर नासी के आलम स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विभूते डिठे सबे ताब नहीं तुद जेहा बदो पुरख बिताते ता तू सोया बस दी सगनी अपार अनूप रामदास पुर हर नानक कसमल जाइए नये रामदास सार पीता लोड़ी काम सोहर पया किये कार्य दे सवार सतगुर सच साखिए संता संग निदान अमृत चाखिए कै पंजन निर्वाण दास की राखिए नानक हर गुण गाए अलख प्रबलाखिए नानक हर गुण गाए अलख प्रबलाखिए जाचक मंगे दान दे प्यारिया देवन हार तार मन चितारिया कोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया सतगुर होए दयाल त शरदा पूरिए सतगुर होए दयाल न कबू न चूरिए सतगुर होए दयाल त दुख न जानिए सतगुर होए दयाल त हर रंग मानिए सतगुर होए दयाल त जम का डर गया सतगुर होए दयाल त सज ही सुख देहा सतगुर होए दयाल त नवन दबाइए सतगुर होए दयाल त सच समाइए सतगुर होए दयाल त नवन दबाइए सतगुर होए दयाल त सच समाइए जियो पिंड सब तेरे रास तुम मात पिता हम बरक तेर तुमरे कृपा मैं सुख कनेर कोई न जाने तुमरा अंत ते
सगल सागरी तुम रै तुम ते हो सो आगे कारी तुमरे गत मित तुम ही जान नानक दास सदा कुर्बानी जी तुदे आगे अद दास हमारे जियो पिंड सब कहु नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती समरकै गुरु नानक ले त्याए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी त्याई है जिस जठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरियै करनौन दयावे ताए सब थाई हुए सहाय सब थाई हुए सहाय। दसां पात शाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजाब प्यारियां चहु साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाही तेग वाही तेग के अंडढ़ किता तनहा प्यारियां सच्यारियां दीक माई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत दा रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दीदार ते सेवा समान बख्शो जी। हे निमाणिया दे मान नितानिया दे तान नियोटिया दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन रहबर पिता सतगुरु श्री गुरु रविदास जी महाराज धन धन जगदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी आप जी दे चरण कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी है जी। धन धन बाबा श्री चंद जी धन धन बाबा गुरदित्ता दीन दुनी दा टिक्का जो वर मंगिया सो वर दिता तन तन सचखंड वट सी श्रीमान एक स्वर संत बाबा गोविंदा जीव महाराज तन तन सचखंड वासी श्रीमान एक स्वर संत बाबा चमनदास जीव महाराज। सतगुरु जी आप जी दे दरो घरों वरसाए हुए महापुरख संत बाबा देसरा जी समूह देश विदेशों दियां संगतां नाल मिल करके महान पर उपकारी नाम बाणी दे रसी है। धन धन सचखंड वासी श्रीमान 108 संत बाबा चमनदास जी दे 75वें आगमन पुरब नूं मुख रखते हुए सतगुरु जी परसों रोज़ तों पंजी अखंड पाठ साहिब प्रारंभ किए गए सन। सतगुरु जी जिन्हां गुरमुख परिवारों वालों श्री अखंड जप की सेवा की गई इस नाम इस प्रकार हन। पहला श्री अखंड जाप संत बाबा देसराज जी वालों संत बाबा चमनदास जी दे आगमन पूर्व दियां खुशियां नूं मुख रखते हुए डेरे दे चढ़दी कला अते सरबत दे भले वास्ते दूसरा श्री अखंड जाप चमन लाल संधी सन ऑफ तोता राम संधी पिंड अट्टी तो परिवार ते बच्चियां दी चढ़दी कला वास्ते इंग्लैंड निवासी
तीसरा श्री अखंड जाप मनमोहन बहरा ते बीबी सुरिंदर कौर महरा दिल्ली तो परिवार के बच्चों की चढ़ती कला और सुख शांति वास्ते इंग्लैंड तो। चौथा श्री अखंड जाप ज्ञान सिंह पाटिया सन ऑफ मलूक सिंह पाटिया पिंड भुंगरनिया तो परिवार की चढ़ती कला और भाने वास्ते इंग्लैंड निवासी। पंजवा श्री अखंड जाप कमलकांत लाडी ते बीबी सुरिंदरा राणी ग्राहिया तो परिवार की चढ़ती कला और सुख शांति वास्ते इंग्लैंड तो। सेवा श्री अखंड जाप बीबी भजन कौर चल सुपत्नी स्वर्गवासी प्रेम कुमार चल पिंड बडेसरों तो परिवार के बच्चों की चढ़ती कला तंदुरुस्ती वास्ते इंग्लैंड तो। सतवां श्री अखंड जाप रोशन लाल ते सरबजीत लाल सपुत्र स्वर्गवासी प्यारा राम ग्राहिया तो परिवार की चढ़ती कला और तंदुरुस्ती वास्ते आस्ट्रेलिया तो। अठवां श्री अखंड जाप अमृत लाल सपुत्र हरभजन लाल पिंड सुरगुंदी तो परिवार के बच्चों की सुख शांति और चढ़ती कला वास्ते इंग्लैंड निवासी। नौवां श्री अखंड जाप लवजीत कुमार ते मनप्रीत कुमार सपुत्र परमजीत कुमार पिंड बाबा बकाला तो परिवार की सुख शांति और चढ़ती कला वास्ते आस्ट्रेलिया निवासी। दसवां श्री अखंड जाप बीबी परशोत्मा राणी वालों अपने सपुत्र अजय कुमार और नवीन कुमार की तंदुरुस्ती और सुख शांति वास्ते अमरीका निवासी। ग्यारवां श्री अखंड जाप कुलविंदर कुमार और बीबी अमनदीप कुमार वालों पिंड गोबिंदपुरा तो परिवार के बच्चों की चढ़ती कला वास्ते अमरीका निवासी। बारवां श्री अखंड जाप जगजीत जसल सपुत्र स्वर्गवासी करमचंद जसल पिंड माधोपुर तो परिवार के बच्चों की चढ़ती कला और सुख शांति वास्ते कनेडा निवासी। तेरवां श्री अखंड जाप सुरिंदरपाल सिंह ते बीबी भुपिंदर कौर पिंड अधिकारी तो परिवार के बच्चों की चढ़ती कला और तंदुरुस्ती वास्ते कनेडा निवासी। चौदवां श्री अखंड जाप अशोक कुमार घेड़ा और बीबी तीर्थ कौर वालों घेड़ा अपने सपुत्री जसप्रीत कौर घेड़ा दे पक्के होण अते नतीका दे कनेडा पहुँचन की खुशी विच शुकराने वजों पिंड पवियाणा तो। पंद्रवां श्री अखंड जाप सोडी सुमन ते बीबी मनजीत कौर सुमन पिंड टंडे तो परिवार के बच्चों की सुख शांति और चढ़ती कला वास्ते इटली निवासी। सोलवां श्री अखंड जाप सुखपाल ते बीबी सरबजीत कौर पिंड बिरका तो परिवार के बच्चों की सुख शांति और चढ़ती कला वास्ते स्पेन तो। सतारवां श्री अखंड जाप बीबी राज कुमारी सलना सुपत्नी स्वर्गवासी परमजीत सलन वालों परिवार के बच्चों की चढ़ती कला और सुख शांति वास्ते पटियाला तो। अठारवां श्री अखंड जाप मोहन लाल ते बीबी बलवीर कौर वालों अपने सपुत्र गगन देव देश जान की खुशी विच शुकराने वजों पिंड औड़ तो। उन्नीवां श्री अखंड जाप बाबू राम आसरा
ते बीबी बलविंदर कौर वालों परिवार के बच्चियां दी चढ़दी कला अते सुख शांति लई अशोक बिहार फगवाड़ा तो विवाह श्री अखंड जाप धर्मपाल DSP ते बीबी हरजीत कौर वालों परिवार के बच्चियां दी चढ़दी कला अते सुख शांति वास्ते श्री गुरु रविदास नगर हुशियारपुर तो 21वां श्री अखंड जाप महेंद्र सिंह सपुत्र स्वर्ग करम सिंह वालों परिवार के बच्चियां दी सुख शांति अते तंदुरुस्ती वास्ते पिंड अधिकारी तो 22वां श्री अखंड जाप मेलू राम वालों अपनी सपुत्री वंदना दी विदेश जाने की खुशी विच शुकराने वजा परिवार की चढ़ती कला लई लुधियाणे तो 23वां श्री अखंड जाप गुरमुख परिवार वालों परिवार की चढ़ती कला अते तंदुरुस्ती वास्ते गुप्त श्री अखंड पाठ साहिब जी की सेवा 24वां श्री अखंड जाप स्वर्गवासी चानन राम देशमुख परिवार वालों परिवार के बच्चियां दी चढ़ती कला अते तंदुरुस्ती वास्ते पिंड अधिकारी तो 25वां श्री अखंड जाप मास्टर तरसेम लाल ते बीबी कमला देवी गुराहिया तो परिवार के बच्चियां दी चढ़ती कला अते सुख शांति वास्ते पिंड गुराहिया तो सतगुरु जी जिन्हां गुरमुख परिवार वालों आप जी के आगमन पुरब न मुख रखते हुए अखंड जाप श्री प्रोग्राम किए गए सन अज संपूर्ण भोग पाए गए हैं। सतगुरु जी पाठी सिंघा तो बाणी पढ़दियां हजूरी विच विचरदियां हेकनी अनेक प्रकार दियां भुल्लां हो गई हों अणजाण बच्चे समझ के माफ करना अगे तो शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी बल बुद्धि बख्शनी बाणी बाणी ना प्रेम बख्शना अपनी चरनी लाई रखना जी। सतगुरु जी गुरमुख परिवारां ते मेहर प्रयत रखना चढ़ती कला बख्शनी अपने दरों घरों नाम बाणी दत्त बख्शनी जी कारोबार विच वाधे पाउणे बच्चियां नूं माता पिता का आग्याकार बनाउणा सतगुरु जी महापुरखां अते गुरमुख परिवारां वल्लों आप जी नूं सुंदर पहिशाके पहनाए गए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवक परिवार के लोग परलोक विच परदे कजने आप जी दे हजूर आरती आरती की अरदास है जी आरती आरतियां करदियां अरदासां बेनतियां करदियां एक नी अनेक प्रकार दियां भुल्लां हो गईयां होण अणजाण बच्चे सब के माफ करना अगे तो शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी बल बुद्धि बख्शनी बाणी बाणी दा प्रेम बख्शना अपनी चरनी लाई रखना जी। सतगुरु जी आप जी दे हजूर पंचम कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजिर है जी आप जी भोग लाओ भोग लगा प्रसाद साध संगत विच वरतौंदे आग्या बख्शनी जो जी सके आप जी का सतनाम श्री वाहे गुरु जपै सतगुरु जी आए संगत की हाजरी दर प्रवान करनी कदम कदम चलिया लेखे चलाना जी आई संगत नूं हुक्मनामे सुना के निहाल गुरु जी हुक्मनामे ते चलन दी समत बख्शनी जी अखर वाद घाट पुलचक माफ करनी सरबत दे कारज रास करनी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित्या वै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोले सो नृपै सतगुरु रविदास महाराज की जय
भोले सो नरपै संत बाबा गोविंदास महाराज की जय। भोले सो नरपै संत बाबा चमनदास महाराज की जय। भोले सो निहाल सत श्री अकाल। जय गुरुदेव। धन्नु गुरुदेव। धन धन संत बाबा गोविंददास महाराज जी दे तपो स्थान विखे 108 संत बाबा चमनदास महाराज जी दे 75वें आगमन पुरब मनाए जा रहे हैं, क्योंकि महापुरशां दा जन्म 13 हाड़ 1948 पिता चंदूराम माता मंगो देवी दे ग्रह विखे होया। आप दा पिंड कांगड़ वडहेड़ा जिला ऊना हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पहला हिमाचल प्रदेश हरियाणा यह पंजाब विचे सी, महापंजाब सी। 1972-73 दे विच सरकारां दी पॉलिसी दे मुताबक पंजाब दे 3 सूबे बनाए गए, क्योंकि अज कांगड़ बडेड़ा पिंड जिहड़ा आ उह हिमाचल विच आ और पहला पंजाब विचे सी। महापुरश लकाई नूं नाम भजन नाल जोड़दे होए, नाम बाणी नाल जोड़दे होए 2 अगस्त 2012 नूं साडे कोल शरीरक तौर ते साडे कोल विछड़ गया सी, और अज आपां शब्दां रूपी महापुरशां नूं याद करके उन्हां नूं हाजर नाजर समझदे हां। और ऐतकी 2 अगस्त नूं लगभग 11वीं वर्सी है उन्हां दी, और अज उन्हां दा 75वां जन्मदिन 108 संत बाबा देसराज जी महाराज जी उन्हां दे उदेशां दे अनुसार समूह संगतां देशां विदेशां दी संगतां इकत्तर हो के महापुरशां दे जन्मदिन मना रहियां हन। इस संबंध दे विच 25 गुरमुख परिवारां वल्लों 25 अखंड जाप परसों आरंभ कराए थे, अज भोग पए। भोग तो बाद आरती आरती दे कीर्तन होए, प्रेम पटोले दे कीर्तन होए। हुण इस वेले दीवान की आरंभता हो रही है, और इस सारे प्रोग्राम की जिहड़ी कवरिंग है पूरे देशों विदेशों दे विच कांछी टीवी चैनल डॉक्टर रजिंदर कलेर जी वो कांछी टीवी तो लाइव यूट्यूब पर कर रहे हैं। सारिया संगत से असं चरण च बेनती करते हैं कि जिथे जिथे भी अपने परिवार विदेशों में बैठे आ उन्होंने नोट करा दियो भी ये प्रोग्राम जिहड़ा सीधा लाइव हो रहा। हुण मैं बेनती करदा भाई साहब भाई करमजीत सिंह जी गुराया वाले एक शब्द के नाल हाजरी लाउणगे। मन की कटी है मैं साध संग उठिया, मन की कटी है मैं साध संग उठिया, मन की कटी है मैं साध संग उठिया। आवे आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया, हाँ आवे साहिब चित तेरिया भगतां। Thank you.
चरण को कटिए जन का शब्द जप जन्म मरण को कटिए जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत साब जाए शप बंधन खोलन संत दूत साब जाए शप दूत सब जाए शप सब जाए शब्द मन की कटी है मैं साध संग उठिया मन की कटी है मैं साध संग उठिया आवे आवे साहिब चित तेरे कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए कृपालता भगत संग पाई है जा आपे होए दयालता भगत संग पाई है भगत संग पाई है भगत संग पाई है मन की कटी है मैं साध संग उठिया हाँ मन की कटी है मैं साध संग उठिया आवे 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 साहिब चित तेरिया भगता दिखिया हाँ आवे साहिब चित मन की कटिए मैं साध संग उठिया जपो मन की कटिए मैं साध संग उठिया आवे 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 साहिब चित तेरिया भगता दिखिया हाँ आवे साहिब चित तू संता का संत तेरे
108 ਤਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ 108 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਚਮਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ 108 ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਤਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਨ
शरीर इरादे मुकू विचार देऊ विचार देऊ विचार देऊ विचार शरीर इरादे तन तन ने जननिया मावा तन ने जननिया मावा तन ने जननिया मावा तन तन ने जननिया तन तन ने जन दिया जिन्ना दे बच्चे जपदे जप दे तन तन ने जने दिया मावा तन नाम जप दे
ਬਾਪ ਦੇ ਤਨ ਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਮਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਹ ਉਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਥ ਨਾ ਡੀਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਾਂਗੇ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਫਲੋਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਏ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਉਣ ਦੀਜੀਏ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਕਣਾ ਜੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 5 ਟੋਫੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਟੋਫੇ ਵੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਏ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ 5 ਦਾਤਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇੜ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਦਾਤਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਭੇਟ ਨਿਉਂਦਿਆਂ ਨਿਉਂਦਿਆਂ ਨਿਉਂ ਜਾਈਏ ਨਿਉਂ ਕੇ ਮੱਥਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਤਬਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਦੇ 12 ਸਵਾਸ ਚੱਲਣਗੇ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਤਬਾਰਾਂ ਚਲਤ 18 ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 12 ਸਵਾਸ ਚੰਡੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬਣੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਤ 18 ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟ 18 ਸਵਾਸ ਚੱਲਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਤਬਾਰਾਂ ਚਲਤ 18 ਸੋਵਤ 30 ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਠ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਤਬਾਰਾਂ ਚਲਤ 18 ਸੋਵਤ 30 ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ 64 ਜਾਸੀ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵਾਹਣ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 64 ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਆਦਮੀ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਮਿੰਟ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਸਿਮਰ ਕਰ ਲਓ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਅਤੇ ਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ 22 ਮਿੰਟ ਦੀ 11 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਅਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਛੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਸੋ ਲਾਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਸਾਧੂ ਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤ ਵਿਡਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਓ ਓਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ
साधु जन महात्मा अपदेह करते भाई नाम जपो गुरु की संगत प्यारियो जीव आया ही नाम जपन वास्ती आ रब ने भेजा ही नाम जपन वास्ती आ गुरु की संगत सतगुरु जी कहिंदे जीव नूं समझाउणा करदे कहिंदे जीव जिहड़ी चीज़ तू जिहड़ी वस्तु लैण वाले वास्ती आया वा तैनूं संसार तों कितों नहीं मिलनी फगवाड़ा गुरु की संगत शहर वा बाजार वड्डा गुरु की संगत किसे नूं जाके आखो शाहूकार नूं कोई दुकान ते सानूं नाम चाहिए कहिंदे सानूं नहीं पता नाम की हुंदा कित्थों मिलेगा कहिंदे सानूं नहीं पता कित्थों मिलेगा पर साधुआं नूं पुछो ते साधु गुरु की संगत दसदे कहिंदे जिस वखर को लैण तों सो राम नाम संतन कर पाए जिहड़ी चीज़ तू लैण वास्ते तैनूं साधु दे कोलों मिलनी संतां कोलों मिलनी गुरु की संगत प्यारो अज दा जो प्रकाश दिहाड़ा धन धन संत बाबा चिमनदास जी महाराज दा मना रहे हां आपां बैठे हाँ सतगुरु जी कृपा करन साड़ी ताड़ी हाजरी लवाउण ताड़े बच्चों से सतगुरु जी लम्मी आरजू बख्शन माता पिता का आग्ञाकार अपने दरों घरों विद्या गुरसिखी जीव जीवन बख्शन आओ गुरु की संगत इनिया ही बेनतियां प्रवान करो दियो प्यार दा सबूत जी बुलाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह परम सत्कारयोग जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्वकला भरपूर छतर चौरों तखत दे मालक वालिए दो जहान शब्दा अवतार धन धन सतगुरु आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र शीतलमयी गोद और महान तपस्वी तत्वेते ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोता ब्रह्म भक्ता नाम बाणी कीर्तन दे रसीए धन धन ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन श्रीमान 108 संत बाबा गोविंद दास महाराज जी दे पावन पवित्र तपोस्थली ते और उन्हां तों भरोसाए होए महान तपस्वी तत्वेता ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोता ब्रह्म भक्ता मानवता दे भले दे हामी रूहानियत दे धनी धन धन ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन 108 संत बाबा चमनदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र इस स्थान ते और उन्हां दे महान आगमन पुरब नू प्रगट दिवस नू जन्म दिहाड़े नू प्रकाश उत्सव नू मनाते हुए सतगुरु आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी छत्र छाया दे हेठ महान संत उन्हां दे परम शिष्य श्रीमान 108 संत बाबा देसराज महाराज जी दी योग अगवाई दे अंदर महान महापुरशां दे सनिध्य विच बैठी हुई सतगुरु दे साजी नवाजी साध संगत जी उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु दा प्रगट दिवस मना रहे हैं महान महापुरश संत बाबा चमनदास जी महाराज। गुरु गोबिंद दो उखड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोबिंदियो मिलाए। सतगुरां दा फरमान सतगुरु कबीर महाराज फरमान करते हैं कि गुरु और गोबिंद एक तो उन्होंने गुरु भी गोबिंदी सी एक गोबिंद है परमेश्वर के नेरे नूं दूर करने वाला संसार के नेरे नूं अंधकार नूं दूर करने वाला कहिंदे गुरु गोबिंद दो उखड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंदियो मिलाए। गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। गुरु कोई इंडिविजुअल चीज़ नहीं है। गुरु की है जो एक तरीका दसदा है एक मार्ग दसदा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वेदांत भी कहिंदा है महर्षि वेद व्यास बयान करते हैं स्कंद पुराण के अंदर गुरु स्तोत्रम के अंदर अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मई श्री गुरुदेव नमः। गुरु की किड्डी बड़ी महानता है। आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। गुरु को मानख जानते ते जन जग में अंध महादुखी संसार में आगे जम का फंद। कहिंदे जो गुरु नूं एक मनुख समझदे है सधारण बंदा समझदे अपने वर्गा ही वो अखां हुंदे होए भी अन्ने हुंदे हन। गुरु को मानुख जानते ते जग जन में अंध महादुखी संसार में आगे जम का फंद।
हरि उस नारायण परमेश्वर जगताधार ईश्वर दीन बंधु नू पाउणा है। वो होना है चतुराई सियाणपक दे कामन आई है। उठा साहब जो देवे सोई सुख पाई है। जे लक्कर्म कमावे है कुछ पवे ना बंदा। लखा ही करम नाम तो बिना संतां दे दर्शन तो बिना सेवा भक्ति तो बिना करते जाओ ताडे दुखां नू कोई घटा नहीं सकता। जन नानक जे लक्कर्म कमाई है कुछ पवे ना बंदा। जन नानक कीता नाम धर और छोड़िया धंधा। तो कहिंदे उन्हें नाम का आसरा सतगुरु नानक देव महाराज के दे मुख तो कहिंदे हैं। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज कि नाम जपिए ता ही जड़ा है। मैं तो यह काम करता कि होर सारे धंधे छड़ दिते हैं। अज तो नाम का ही अनुजाई नाम जो शब्द दिता है गुरुआ ने वो ही आपनों जो भी बाबा जी ने बख्शिश किया। तो नाम जपो बंदगी करो उसकी आराधना करो। तो इन्हां ही शब्दों के नाल सच्ची शब्द जिहड़ी है वो नमन है संत बाबा चमनदास महाराज जी दे इस महान आगमन पुरब से प्रगट दिवस से जन्म दिहाड़े के प्रकाश उत्सव से जो आप सर्व संगत गोबिंदपुरे दियां देशों विदेशों दियां संगतां भी मना रही हैं सुन भी रही हैं। उन्होंने रिले जो चल रही है जी टैलीकास्ट तो उन्होंने महान महापुरुषों के धन 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 जने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जाने आवन कहे सुहाओ जन के संगत आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। तो उन्होंने महापुरुषों नू संत बाबा गोविंद दास महाराज के पातशाह जी नू उन्हां तो भरोसाए हुए महान तपस्वी संत बाबा चमनदास महाराज जी नू और संत बाबा देसराज महाराज के पातशाह जी जो स्टेज पर सुभायमान हैं उन्होंने और सारे ही महापुरुषों नू आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पातशाह नू नमन करता होया संत बाबा चमनदास महाराज जी के महान प्रगट दिवस की आगमन पुरब की आप सर्व संगत नू कोटन कोट बहुत बहुत लख लख मुबारकबाद वधाइया। गुरु महाराज कृपा कर इस ही तरह आप दे जीवन के मुताबक चलण की शक्ति तौफीक अदा कर भुलां चुकां की ख्याम बख्शिश करनी आप का आशीर्वाद रखन। गुरु नानक गुरु रविदास गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आप जी के पावन नाम की चढ़ती होवे कला घटती पीड़ा तेरे भाणे सर्वत जीव का भला जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। तन तन श्री मान 108 संत बाबा गोबिंद दास जी महाराज उन्हां तो बरसाए हुए तन तन श्री मान 108 संत बाबा चमनदास जी महाराज जिन्हां दे आपां 75वें जन्म दिहाड़े ते आपां सारिआं नूं डेरे दे मौजूदा गद्दी नशीन श्री मान 108 संत बाबा देसराज जी महाराज सीनियर वाइस प्रधान श्री उदास साधु संपदा सर्टिफिकेट पंजाब उन्हां दे महान उद्यम सदका आपां सारिआं नूं सतगुरां दी गोद दे विच बैठण दा जिहड़ा सुपाक समां प्राप्त होया है दास श्री गुरदास साधु संपदा सर्टिफिकेट पंजाब वालों तन तन 108 संत बाबा चमनदास महाराज जी के जन्म दिहाड़े की सारिया संगतों को महापुरुषों लख लख बधाई देता है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी 75 साल मां जिहड़ा जन्म दिहाड़ा है वह महापुरुषों का जिस समय शरीर करके भी इस मात लोक की धरती के विचर रहे सन सानू साक्षात दर्शन होंदे सी तो उस वेले भी उन्हों का जोड़ा है वह प्रकाश दिहाड़ा जन्म दिहाड़ा मनाया जाता सी और उसी परंपरा नू डेरे के मौजूदा गद्दी नचीन श्रीमान संत बाबा देसराज जी महाराज सीनियर वाइस प्रधान श्री गुरदास साधु संपदा सर्टिफिकेट पंजाब महाराज उही परंपरा नू निरंतर चला रहे हैं। साध संगत जी अज जिहड़ा समा है अज साडे समाज दे नाल बड़ा औखा है। रिजर्वेशन चोर फड़ो पक्का मोर्चा जिहड़ा मोहाली लगा है पहला भी प्रधान साहब दे नाल संत बाबा कुलवंत राम जी महाराज दे जान दा नाल गए और जिस समय साडे राज दे पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान भगवंत मान जी ने समा दिता मिलने वास्ते
पंजाब भवन दे विच ते साडे जिन्ने भी जस्सी टलना जी होर भी जिहड़े सेवादार सन उधरों भी प्रोफेसर अनेक सिंह सारी टीम नूं लैके पंजाब भवन वल नूं जा रहे सन ते साडे देखदिआं देखदिआं जिहड़ा उहनां दी गड्डी जिहड़ी है ओह मलेरकोटले नूं उहनां ने कोई समागम सी उत्थे नूं चले गए क्योंकि साडे समाज नाल अज्ज इह नहीं पहलां तों इसे तरह धोखा हुंदा रिहा और फिर जदों पंजाब बंद की कॉल होई 13 तरीक नूं फिर जिहड़ी है वह मीटिंग रखी गई पंजाब बंद जिहड़ा है वह मुलतवी किया गया और खजाना मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा उन्होंने नाल जिहड़ी है फिर मुलाकात होई उन्होंने जिहड़ा उस वेले जिहड़े बाई जिहड़े सन उन्होंने कार्रवाई की और बाकी जिहड़े करीब 67-68 जिहड़े रहिंदे सन उन्होंने उन्होंने कहा वी जल्दी कार्रवाई करांगे पर जिहड़ा है उन्होंने 8 जिहड़े इहो जिहे सन जिहड़े हाई प्रोफाइल केस सन पर उन्होंने बारे बाकियों बारे की कुछ होया कि नहीं होया हाई प्रोफाइल ने तो हजे तक किसी ने छेड़िया नहीं जे छेड़ देंदे तो आपां नूं नैट ते कोई ना कोई खबर आ जानी सी क्योंकि जीवन जिहड़ा संघर्ष दे विच सतगुरु गुरुदास महाराज सच्चे पातशाह ने उन्होंने सारा जीवन जिहड़ा संघर्ष दे विच लंघिया है साहब की तलवंडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिहड़ा है साडे गुरु घर ते गुरु रविदास बुंगा नानक सर ते कब्जा कर लिया उत्थे भी जिहड़ा है संत बाबा कुलवंत राम जी महाराज संत बाबा निर्मल सिंह जी जनरल सकत्तर श्री गुरदास साधु संपदा सैटी जेट पंजाब ते संत बाबा हरविंदर सिंह जी ईसपुर वाले दास भी ते जस्सी टलना होर भी संगतां नाल लैके उत्थे गए ते संत बाबा महेंद्रपाल जी चेयरमैन श्री गुरदास साधु संपदा सैटी जेट पंजाब चेयरमैन वह भी उत्थे पहुँचे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी वह भी उत्थे पहुँचे होर भी बेअंत संगतां पहुँचियां पर जिहड़ा है साडा समाज जिहड़ा है जदों केस चलदा है जां कोई गलबात हुंदी है उसे किसे ने नहीं दसना क्योंकि दिल्ली दे विच भी इसे तरह होया बाद विच भी जदों सारियां कोटां दे विचों भी हार गया उस वेले जिहड़ा है फगवाड़े जिहड़ा है श्री गुरदास मंदिर श्रोमणी श्री गुरदास मंदिर विखे आके फिर जिहड़ी है वह मीटिंग कीती तो डेरा सचखंड डांडियां विखे जिहड़ी है उस समय जिहड़ा समागम चल रहा सी ते संत बाबा कुलवंत राम जी महाराज प्रधान साहब जी ने फिर उत्थे सानू डेरे विखे दसिया फिर उत्थों ही उन्होंने मीटिंग का दसिया ते तां फिर उत्थे जाके जिहड़ा है सारियां संगतां ने देश विदेश दीआं संगतां ने सहयोग किया तां आपां थोड़ी जिही जगह लैण दे विच आपां सफल होए भाव जिहड़ा नाम रह गया वह स्थान रह गया पर गौरमेंट जिहड़ी है बीजेपी गौरमेंट जिहड़ी है उन्होंने बाकी सारी जिहड़ी है प्रॉपर्टी जिहड़ी दब ली उहदी कीमत रख ली कोर्ट ने जिहड़ा है वह ऑर्डर किए प्रधान साहब कहिंदे गौरमेंट ने कुछ नहीं दिता और वह भी अजे तक जगह मिली नहीं पर देश दे मोदी साहब जदों गुरुदास महाराज गुरपुरब हुंदा उत्थे फिर जाके नतमस्तक हुंदे मत्था रगड़दे साडे लोकां दीआं वोटां असी भी फिर सोचते नहीं जिन्हों चित करता फिर पाई जाने आप माड़ा जा डटा मिलया नहीं तो उधर तुर पैने साडा हाल इदा का क्योंकि आप हूँ देख लो श्रोमणी कमेटी है जदों ग्रंथा का रौला पिया उसले जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह जी तो जथेदार मल सिंह जी केसगढ़ साहब वाले उसले हाथ जोड़ के कहंदे सी कहंदे श्री गुरदास साधु संपदा सैटी नूं वे तुसीं इदां दा कोई हुक्म ना करियो जिहदे करके जिहड़ा समाज दे विच पाड़ा पै जाए और फिर जदों उन्हां ने कहा वी साडा तुहाडे नाल इस करके रौला रहिंदा है कि तुसीं जिहड़ा है साडे सतगुरां नूं भगत कहंदे असीं गुरु कहंदे आ ते जथेदार गुरबचन सिंह कहंदे तुसीं तां गुरु कहण दी गल असीं तां मत तुसीं साडे नाल खड़े हो जाओ ते असीं तां जिहड़ा है जदों सतगुरु गुरुदास महाराज का 2010 दे विच गुरपुरब आएगा उसले 30 जनवरी नूं गुरपुरब सी तां कहिंदे असीं उस वेले अकाल तख्त नूं सारियां संगतां नूं जिहड़ा है वह कहांगे कि असीं जिहड़ा है
जिथे सतगुरु गुरुदास महाराज का नाम जिहड़ा है जिथे भगत करके लिया जाता है सतगुरु गुरुदास महाराज करके कहा जाए, पर उन्होंने समा टपाया, समा टपा के जिहड़ा है फिर मुड़ के गल नहीं की। जो फिर गल नहीं की फिर हाल भी की होया, उहदा भी फिर दुर्दशाई होई, फिर समाज ने फिर आपे ला दिता। और जिहड़ा है उस समय जिहड़ा उन्होंने माफ़ी दे दी, फिर समाज के किन्नी हुई किरकर होई, उहदा की हाल होया। जथेदार हरप्रीत सिंह को भी गए भी तुसी जिहड़ा सतगुरु गुरुदास महाराज नूं गुरु जिहड़ा कह के संबोधन करो ता कि जिहड़ा है सारे समाज के एका हो सके। इस करके साध संगत जी साडा समाज सानू ही नहीं गल कर दे रहे, अज जिहड़ा है कल 28 तरीक नूं जिहड़े 15 दिन हो जाने ने जो हरपाल चीमा जी ने दिते सी, फिर पता नहीं किहड़ा की जिहड़ा है वह प्रधान साहब के नाल नेक जी जो साडे प्रोफेसर साहब ने उन्हां दे नाल मिल के की भी जो भी बनता है जो श्री गुरुदास साधु संपदा सैटी मता पास करेगी, आपां जिहड़ा नाल जिहड़ा साथ दे करके आपां जिहड़ा हमला मारीए। किन्ने लोग ने जिहड़े साडे ही जिहड़ा है साडे लोगों ने घिरना करदे आ वे चमार आ वाल्मीकि है, और साडे ना साडा ही जिहड़ा वह सर्टिफिकेट बना के नौकरियां करी जांदे, वड्डे वड्डियां दे नौकरियां करी जांदे, वह बापू एससी का सर्टिफिकेट बनाई जांदा है। जरा सतगुरु गुरुदास महाराज सच्चे पातशाह कुली दे विच रहे और 495 साल इस मातलोक की धरती ते गया नूं भी हो गए, उस वेले दे किन्ने किन्ने वड्डे वड्डे बादशाह होए ने उन्हां दा नां नहीं रहा, पर सतगुरु गुरुदास महाराज का कोई नाम मिटा नहीं सकिया और ना कोई मिटा सकेगा। साडे बजुर्गां ने उन्हां दी मानता की, असी कह रहे साडियां आउण वालियां पीढ़ियां भी उन्हां दा नाम लैंदियां रहणगियां। इस करके श्रोमणी कमेटी ने मैं बेनती करदा जिते जे तुसी सरकार ते कटाच करदे होवे उन्होंने आ करता आ तंज कसदे आ, दस बेनती करदा तुसी भी जिहड़ा समझ सोच करो, तुसी पढ़े लिखे हो, तुसी तां प्रधान जिहड़े ने वकील ने और उन्होंने भी सोचना चाहीदा है कि जिहड़ा पातशाह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो कवि ने लिखिया है आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। उन्होंने तो कह दिता वे गुरु ग्रंथ साहब है पर उन्होंने विच लिखण वालियां नूं आपां भगते कही जाने, इस करके जिहड़ा है वह मदन रंधावा जी भी खड़ गए बस करो गल इत्थे मुका दिओ। इस करके जिहड़ा है उन्होंने भी बेनती है, दुनिया के संसार दे विच केस चलते ने, गुरु गुरुदास महाराज भी जेलों के गए ने, उन्होंने भी हथ कड़िया लगिया, उन्होंने बिगाड़ कोई नहीं सकिया। तो सानू भी जो संत बाबा कुलवंत राम जी दास भी नाले सी जो भगवंत मान की कोठी वाल नू गए ने जिते वो रेंदे ने, तो फिर उन्होंने की किया पुलिस लगा करके जिहड़ा है गड्डी मंगा ली, तो पुलिस वाली गड्डी दे विच फिर चढ़ा लिया, कहिंदे तुहाडी जिहड़ी है असी गिरफ्तारी करनी आ, गिरफ्तारी पाउणी आ। ते संत कहिंदे कोई गल नहीं, असीं क्या कोई गल नहीं, पा लो जो करना अपने समाज ने नाल खड़ांगे, चार दिन घट जी लावांगे वो वधिया है पर जित दे नाल जी के जावांगे उहदे नाल दी रीस कोई नहीं। सो इतनी सेवा प्रवान श्री गुरुदास साधु संपदा सोसायटी वालों दुबारा तो फिर श्री मानिक सवर संत बाबा चवनदास जी महाराज उन्हां दे 75वें जन्म दिहाड़े ते दास श्री गुरुदास साधु संपदा सोसायटी वालों उन्हां नूं जिहड़ा है लख लख उन्हां दे चरणां ते सीस झुकाउंदा है, ते सारियां संगतां नूं सारे महापुरशां नूं जिहड़ा है वह लख लख वधाई दिंदा है। बोलदिआं तों अनेकां तरहां दीआं भुल्लां गलतियां हो जांदियां, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते संत महापुरश ते संगत बख्शण जोग आ सो बख्श लैणा। आओ सारे फतेह बुलाइए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरश आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, जिसका सारियां संगतां नूं पता है कि अज आपां धन धन 108 संत चमनदास महाराज के आगमन पूर्व की खुशी सारे एकत्रित होए हाँ। जो भी संगतां महाराज की पावन हजूरी बैठी हैं, संगतां बहुत वड्डे पागां वालियां हैं, धनता दे योग हैं, वधाई दिया पात्र हैं, जो कि अपना कीमती समा सत्संग की घड़ी विच बैठ के बतीत कर रही हैं। आ गुरु प्यारी साध संगत जी टाइम नूं मुख रखते हुए सब तो पहला मन बिरती नूं कागर करो,
रसना पवित्र करो, ध्यान गुरु महाराज के चरणों में लाओ, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। संगतानू लख लख होन वधाइयां गुरां दियां, 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 संगतानू। भागां दे नाल ए दिन आया, 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 गुरुआं ने सानू आप बुलाया, गुरुआं ने सानू आप बुलाया, गुरुआं ने सानू आप बुलाया, गुरुआं ने सानू आप बुलाया। लिख लिख चिट्ठियां पाईयां गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं। भागां वाले कर लो सेवा, 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 सेवा तो ही मिलदा मेवा, 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 सेवा तो मिलदा मेवा गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं, संगतां नूं लख लख होन वधाइयां गुरां दियां संगतां नूं। सर्व संगतां नूं धन धन संत बाबा चमनदास महाराज जी जन्म आगमन पुरब दियां लख लख वधाइयां होन। गुरु महाराज आईयां होईयां सारियां संगतां दियां हाजरियां दर प्रवान करन और इन्हां सारियां संगतां दे कदम कदम अपने लिखे विच लां। सो इन्हां शब्दां नाल खिमा याचकां, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्हां दानी सच जो जुगो जुग अटल कलयुग के अवतार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पवित्र गोद अंदर जुड़ बैठे हो, साडे बहुत ही सत्कारयोग धन धन सतगुरु बाबा चमनदास जी महाराज जिन्हां दा अज आग 75वां आगमन पर्व संगतां बड़े प्यार सत्कार दे नाल मना रही हैं। संत बाबा देसराज जी महाराज वाइस प्रधान श्री गुरुदास साधु संप्रदाय सैठी, वह भी विदेश की धरती दे उत्तों आ के सतगुरां दे प्रकाश पर्व मनाउण लई पहुंचे हैं। और महापुरशां संत बाबा गोविंद दास जी महाराज जिन्हां ने इस धरती नूं भाग लाए, जिन्हां ने स्वास स्वास नाम जपया। गुरु रविदास महाराज की बाणी का फरमान है, साधु की जो लहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपै नाम, तिस जात ना जन्म ना जो नकाम। सतगुरु दास महाराज की बाणी का फरमान है, असी अज इकट्ठे हो के एकत्र हो के सतगुरां की शरण में आए हाँ, साधु की जो लहे ओट, इन्हों का ओट आसरा तकन लई आए हाँ। तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, तेरे जन्मा जन्मांतरा जिहड़े पाप आ वह खत्म हो जाणगे जदों तुसी श्री तुसी अज गुरु साहिब जी की शरण में बैठ के स्वास स्वास नाम जपोंगे, सतगुरां दे चरणां दा ध्यान अपने मन दे विच धरूंगे। बहुत संगतां महापुरशां ने सरोपे दित्ते जिन्हां ने इत्थे अखंड पाठ की सेवा की थी।
क्योंकि जिहड़े साधु आ इह परोपकार करन लई दुनिया दे उत्ते आउंदे आ। जे अज जो अज धरती दे उत्ते पाप हो रहे आ, जिन्ना झूठ फरेब हो रहा, यह धरती गर्क जावे जे इदां दे महापुरश ना होण तां। इदां दे महापुरश जपी तपी जिन्हां ने इस धरती नूं भाग लाए आ, जिन्हां ने संगतां दे हिरदे उस परमेश्वर दे नाल जोड़े आ, और ये सानू पुकारदे आ कि इस देही अंदर महाराज बाणी दा फरमान है, इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोह मोह हंकारा। सानू काम क्रोध लोह मोह हंकार साढ़े अंदरों जिहड़ा अमृत आ ये खत्म करी जा रहे आ। महापुरश पुकारदे आ कि हे भाई अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, भाई अमृत वेले उठ के उस वाहिगुरु के नाल दोस्ती पाओ। किस नाल की जाए दोस्ती, सब जग चलन हार। ये जरा सब जागया ये तो चलन वाला आ, जे दोस्ती पानी आ तो उस वाहिगुरु के नाम नाल सतगुरां के चरणों के नाल दोस्ती पाओ, जिन्हां ने सानू इस जन्म विच भी ते अगले जन्म दे विच भी साडी रक्षा करनी आ। एहो जिहे महापुरश दुनिया के उत्ते कोई जन हर स्यों लेवै जोर, चरण बहो बको सब रसना दीजै प्राण प्रो। कोई इदां दे बिरले घने महापुरश आ जिहड़े सानू उस अकाल पुरख के चरणा दे नाल जोड़दे आ। महाराज कहिंदे कैंची का काम करन वाले बहुत मिल जाणगे, पर सूई का काम करन वाले बिरले मिलणगे, क्योंकि कैंची जिहड़ी आ उह विछोड़ दिंदी आ ते सूई जिहड़ी आ उह जोड़ दिंदी आ। इहो जिहा महापुरशां दा जीवन आ जिहड़े सानू भुल्ले भटकियां नूं उस अकाल पुरख के चरणा दे नाल जोड़ दिंदे आ। कल्ले कल्ले मण के इक्को ही धागे दे वै सारे मण के परो के माला बना दिंदे आ। कोई संगत किस तरह का, किसी का माइंड आ, किसी का किस तरह का आ, सारियां नूं इक्को ही धागे दे नाल उस वाहिगुरु दे नाल जोड़ी जा रहे आ। इहो जिहे महापुरश संत चमनदास जी रब मूर्त से जदों उन्हां दे कोल आउणा तां बड़ी उन्हां दे विच निम्रता हुंदी सी, जदों भी दर्शन करने बड़ी निम्रता हुंदी सी। कदी भी महापुरशां दे कोई इदां दा वचन नहीं कदी सुनिया गा जिहड़ा कोई मन नूं ठेस देण वाला होवे। मन नूं शांतिपूर्वक उन्हां दे वचन सीगे, जिन्हां दे तुसीं भागां वाले आ, जिन्हां दे इदां इहो जिहे महापुरश मिले आ, जिन्हां महापुरशां दे जीवन जिहड़ा आ वह आप जी दे संगतां दे उत्ते सारी जिंदगी उन्होंने ला दित्ती। क्योंकि महाराज कहिंदे, महाराज दी बाणी दा फरमान है, हर मंदर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। ये जिहड़ा ज्ञान रूप जिहड़ा मंदर शरीर आ ना, इहदे विचों असीं अमृत प्रगट करना। प्रगट किद्दां होणा, असीं अपने मन नूं गुरु वाले बन के श्वास श्वास जप के उस अकाल पुरख के नाल जुड़ना है। क्योंकि नौ दरवाजे काया कोट है, दसवां गुप्त रखी जाए, बजर कपाट न खोली गुर शब्द खली जाए। जिहड़े साडे धातु के नौ इंद्रियां टप के दसवें दे विच परमेश्वर बैठा, उन्हूं प्रगट करना। प्रगट किदां करना, जिद्दां असीं दुध नूं जाग लाने आ, जाग ला के उन्हूं रिड़कते हैं, रिड़क के उहदा मक्खण बनाउंदे, मक्खण तो बाद उन्हूं गर्म करके उहदा घी बनाउंदे आ। इसे तरह इहदे शरीर के विचों महापुरश बाणी फरमान करदी, इहदे विचों अमृत प्रगट करना। अमृत प्रगट करके जदों असीं अमृत प्रगट कर लै तां गुरु प्यारे सतसंग जी असीं उस परमेश्वर नूं पा लिया। इहो जिहे महापुरश जिहड़े सानूं दुनिया के उत्ते कलयुगी जीवन नूं उस अकाल पुरख के नाल जोड़दे आ। क्योंकि जे साढ़े अंदर आस आ, आस प्यासी मैं फिर वो कब पेखो गोपाल, जे साढ़े अंदर प्यास आ उहदे नाम की भुख आ, उहदे दर्शनां की भुख आ, तां सानूं दर्शन दीदार होणगे। जे साढ़े अंदर कोई भुख कोई प्यास नहीं, जिन्ने मर्जी इत्थे आई जाओ, जिन्ने मर्जी इत्थे पाठ करा लईए, जिन्ने मर्जी जो मर्जी करा लईए। महाराज की बाणी का फरमान, तीर्थ वर्त अरदान कर मन मैं तरै गमान, नानक नहबल जात को ज्यों को चरशनान। ये ना होवे तीर्थ वर्त अरदान कर मन दे विच घमांड आ जावे, हंकार आ जावे, नानक नहबल जात को
जो कुंचर इशनान, जिदा हाथी इशनान करके ना उपर किचड़ मतलब चिक्कड़ भर के सुंड उपर सट लैंदा, ये हाल ना हो मतलब सारा कुछ करके मतलब अपने आप न फिर बर्बाद कर लीए, जिहड़ा साडा महापुरशां जीवन सुधार आया ये मुड़ के असी बर्बाद ना कर लीए। चंगे बनो, महापुरशां की संगत करो। और साडे दरम्यान जोगिंदर सिंह मान जी, जिन्हां दे विच अज गुस्सा सगा के एक बीबी ने वाटर कूलर तो पानी देण ते कहिंदा बंद कर लिया, बड़ा अज उन्हां दे विच गुस्सा सगा, बड़ा मन नूं सगा, पर अज दा उन्हां नूं अजे उन्हां नूं मेरा ख्याल भी अज दा इक्को ही पता लगा। जिस दिन तलवंडी साबू रविदासियां नानकसर बुंगा बाबा धीर सिंह बाबा वीर सिंह माझवी सिंह दे बुंगे जिदन ढाण लगे सके, उत्थे जे सी बी लिया के खड़िया कीतियां सी, गुरु घरां दीआं जमीनां दे उत्ते श्रोमणी कमेटी ने कब्जे कर लए, उदण साडे 32-34 MLA MP आ कोई भी नहीं बोलिया। अज उन्हां दे विच गुस्सा आया, कहिंदे वे मैं कहिंदे इहदा बदला लैणा आ, पर बदले लैण लई बहुत पिछे आ, बहुत कुछ आ। अज साडे समाज दे उत्ते जिहड़ियां SC सर्टिफिकेट जाली सर्टिफिकेट बना के कोई IPS आ, कोई DC आ, कोई जज आ, कोई एयर इंडिया का पायलट आ, कोई टीचर आ, इदां दे बहुत आ। पर जे अज साडे 35-34-35 जिन्ने भी MLA MP आ किसी ने जाके उन्हां दा साथ नहीं दित्ता। श्रोमणी कमेटी ने उत्थे कब्जा किया गुरु रविदास महाराज के गुरु घर से, माझवी सिंघां दे बुंगियां दे उत्ते, इन्हां दे विच इन्हां च गैरत है नहीं, किसी ने कोई बोलिया तक नहीं गा। अज जिहड़ी गर्मी दिखाउण लगे ना संगत दे विच आ के, जिदां संगत जिन्हां गर्मी दिखाणी सी मीडिया ते दिखाल दे, जे इन्हां ने गर्मी दिखाणी अखबारां दे विच दिखाल दे। साडे जदों आ चोर पक्का चोर मोर्चा फड़िया, साडे प्रोफेसर चंदू माजरा जी उन्होंने बयान दिता, कहिंदे जिहड़े ना SC दे सर्टिफिकेट जिन्हां ने बनाए आ, जे इन्हां दे उत्ते कोई जाली, जे उन्हां दे उत्ते कहिंदे नहीं SC ने कार्रवाई कराई तां मैं उन्हां दे नाल रोड़ा ते बैठूंगा। वो कहिंदे रोड़ा ते बैठूंगा, साडे कोई भी MLA MP कोई नहीं बोलिया भी तू साडे समाज के हक जिहड़े आ वो हक पराया नानका उस सूर उस गाए, ये महाराज की बाणी आ, बाणी का फरमान आ। असीं बाणी पढ़ी जाने पर लोगों के असीं हक खा रहे हाँ। कोई भी MLA कोई MP नहीं बोलिया, पर असी तो ये कहांगे जिदण साडे चंदू माजरा जी साडे इलाके दे विच आनंदपुर साहब तो खड़े आ, मैं सारे पिंडां दे विच जा के उन्हां दा विरोध करूँगा, जे अज वह जनरल वालिया दे नाल खड़नगे, उन्हां दे हक दे विच खड़नगे, जे चैसियां नूं छड के उन्हां दे नाल खड़नगे, असीं उन्हां दा विरोध करांगे। और जिन्हें भी साडे MLA आ मंत्री आ, जे ये भी साडे समाज दे विच नहीं खड़नगे, असीं इन्हां दा विरोध करांगे। अज गल तां करनी सी, जदों महापुरश ने छेड़ लई, मैं चलो मैं भी हुण ताज दीती चली, मैं कहनूं रहा कल्ली, मैं भी दो शब्द बोल ही दिना। इस करके गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो अज महापुरशां दा प्रकाश पर्व आ, उस दे उत्ते महापुरशां दे उपदेश करना गा, महापुरशां दे वचन जो उन्होंने दिते आ वो हिरदे दे विच धारण करने गे, उन्हां बारे दसणा गा। महापुरश सारी जिंदगी उन्होंने नाम जपया, सानू किहड़े रास्ते पा के गए आ, असीं तां इस दे लई। पर जदों समाज दीआं कोई गतिविधियां आउंदियां, समाज दे विच गल हुंदी आ, फिर साडे स्टेज सकत्तर भी कहिंदे तुसीं समाज दी गल तां कीती नहीं। इस करके जिहड़ी समाज की गल आ वह भी आ। अज सतगुरु बाबा चमनदास जी महाराज जिन्हां दा 75वां प्रकाश पर्व अज संगतां संत देशराज महाराज जी मना रहे आ, मैं सारियां संतां नूं महापुरशां नूं सतगुरुआं दे प्रकाश पर्व की लख लख वधाई दिंदा। अरदास करदा कि महाराज सारियां संगतां नूं चढ़दी कला रखण, डेरे साहब नूं चढ़दी कला रखण, महापुरशां नूं दीआं लंबियां उमरां बख्शण। जो बोले सो निरभय सतगुरु दास महाराज की जय। जुग जुग टल चौर शत दिमाल कलयुग के बहुत नाम के जहाज शब्द अवतार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी विच बैठे महापुरश साध संगत जी, असी सब महापुरशां दे आगमनपुर दीआं खुशियां नूं मुख रखदिआं होइआं हाजरियां लगाउण वास्ते एकत्र होए हाँ, क्योंकि बाणी दा फरमान है प्रभ की औसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत।
सत्संग दे विच एकाग्रता होनी जरूरी है। जे असी एकाग्रता रखांगे तो फिर साडी हाजरी ज़्यादा लगती है। क्योंकि महापुरश का 75वां प्रकाश दिवस असी मना रहे हैं, आप संगत जानते महापुरशों ने सारा जीवन अपना बचपन तो लग के गुरु घर सेवा की, लुकाई दे दुख प्यारी सार संगसी जड़े सी आत्मक शरीरक और दूर किते। आप जिन्हें मर्जी प्यारे से बीमार से अपने पता है संगतों, वो एक गल कहते भी असी अपने कोल नहीं कुछ रखते, सारे संगतों वंड देने। महाराज की जय। वो कहते सी अपने कोल नहीं रखते, संगतों वंड देने। ते आप संगतों पता है, तो जो भी महापुरशों के चरणों के आया वह झोलियां भर के गया, तो उन्होंने अपना सारा जीवन लाया। क्योंकि महापुरश संगत वास्ते हैं, संगतों का भी फर्ज बनता। आपने सरवण किया ना बे, जब मसला ज़्यादा खड़ जाता तो फिर संतों के कोल आए। आप जी ने सरवण किया, कमेटियां के कोई भी मसले है कुछ भी है पेरे, फिर संतों के कोल आ जाते। महाराज संत बाबा निर्मल दास महाराज भी एक कहावत बोल के गए सी ना, ते जड़ियां कहावतां बनिया इन्हां दा मतलब है वो जब संसार दे नाल हुंदी फिर जो रिजल्ट निकल तो फिर कहावत बनती है। तो इदे साधु समाज के नाल भी हुंदी है, जब सारे पासों रह जाते तो फिर कहिंदे संतां कोल चलते हैं। पहला कमेटियां आप हुंदियां गुरु घरां दे विच पैरी सत्संग जी, आप अपनी मर्जी करनी जो मर्जी करना, तो जब ज़्यादा मसला खड़ा हो जाना तो प्यारी सत्संग जी खतरनाक बन जाते, फिर संतों को आ जाते हैं। तो कहावत कहती खाण पीण बांदरी डंडे खाण नू रच, एक कहावतां भी नहीं बनिया, इहदा कोई कारण है। इस करके प्यारी सत्संग जी महापुरशां दे नाल जब भी कोई बचन करते हैं मन के अंदर ना निम्रता ते प्यार होना चाहिए। तो फिर जिहड़ा ये इंसान गल नूं भला अपनाउंदा ना, वह फिर गुरु घर दे विच झोलियां भर के जांदा। सारे सेवादारां दा जिन्नियां वी संगतां ने प्यारी सत्संग अखंड जप करवाए उन्हां दे बहुत बहुत धन्नवादी हैं। महापुरशां दे जन्मदिन दी मुख रखदे होए उन्होंने सेवा की, समूह महापुरशां दा बहुत बहुत धन्नवाद है जिन्होंने अपने डेरिया में समा कढ के प्यारी सास आप संगतों नूं दर्शन दिते। तो संतों के दर्शकों का फल की है, आप ही राती सरवण किया। तो महापुरशों के दर्शन करने चाहिए है, निम्रता रखनी चाहिए है, तो प्यार होना चाहिए है। तो फिर प्यारी सत्संग जी साढ़े इत्थे बैठ के जो समा किया वो जिहड़ा ना वो थाए पैंदा आ, उन्हूं ज़्यादा फल लगता। तो क्योंकि समा ज़्यादा हो गया प्यारी सत्संग जी, तो समूह महापुरशों का बहुत बहुत दोबारा फिर धन्नवाद है। तो प्यारी सत्संग जी समाप्ति करनी सी, बाबा जी कहिंदे शब्द एक सुना दिओ क्योंकि समा ज़्यादा हो गया। बाबा जी ते प्यारी सत्संग जी बारी कहती सुख सागर सुरत चिंता मन काम धीन बस जाके चार पदार्थ अट सदा सिद्ध नव निध कर तलता। सागरे सुर तर चिंता मने सुखी सागरे सुर तर चिंता मने सुखी सागरे सुर तर चिंता
कह रविदास
सागर सुर तर चिंता मन काम तीन वस जाके चार पदार्थ आठ दशा सिद्ध नव निध कर तल ताके हर 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 ना जप है रसना अवर सब त्याग वचन रसना। महाराज कहिंदे जे संसार दे सुख चाहुंदे हो ना परमात्मा दे चरणां दे नाल जुड़ो उहदा सिमन करो। ये बाणी कहिंदी लोक सुखीए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिल फिर कृपा करता प्यार से इतने अपने शब्द विराम दिने। समूह संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद है ते महापुरशां का कोटन कोटन नमस्कार उपचारना जहाँ आ के संगतां नूं दर्शन दिते बहुत बहुत धन्यवाद करते महापुरशां का। तो विचार करते प्यारी सत्संग जी अनेकां प्रकार दीआं भुल्लां चुक हो जांदीआं संगत वाशन योग है इन्हें गुरु घर के लंगर वास्ते माया भेटा की है। वाहेगुरु सब दे नाम आप ही जानता है बिन बोलिया सब कुछ जानता तिस अगे कीचरदा सबना दी दान की ही माया सफल करे। उचारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो नरपै सतगुरु दास महाराज की। बोले सो नरपै संत बाबा गोविंद दास महाराज की जय। बोले सो नरपै संत बाबा चमन दास महाराज की जय। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सबो कांछी टीवी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने आके सारा जिहड़ा प्रोग्राम है ना वो कवर करके प्यारी सतसंग जी देशों विदेशों में जिते जिते भी कांछी टीवी चल रहा है उन्होंने पैसा लैब दिखा लिया संगतान बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत संगतान का धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।